हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला, क्योंकि भाई अभी हम लोग क्विक शॉर्ट को देखने वाले, क्विक शॉर्ट का जो फंक्शन था उसे देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पार्टीशन ये क्या होता है, दैट इज द हार्ट ऑफ क्विक शॉर्ट, उसके बारे में हमने समझ लिया, वो क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, व्हाट इज द वर्किंग फ्लो, वो सारी चीज़ें हमने पार्टीशन से रिलेटेड समझ ली। अभी यहाँ पे हम लोग पूरा जो पिक्चर है, मूवी है, वो देखने वाले हैं क्विक शॉर्ट, जिसका नाम है बराबर। अभी यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, एक इनिशियली मेरा एक एरे था, ये मेरा प्रीवियस स्टेट में मैंने रोक दिया है, जो कि पार्टीशन के बाद जो रिजल्ट था वो यहाँ तक मैंने उसे रोक दिया है। इनिशियल अपना एरे जो था उसमें एलिमेंट्स कुछ ऐसे थे, 15064 बराबर 15064, दिस वॉज द इनिशियल एरे। तो वो एरे मैंने उसे पास किया हुआ है, ओके। पी की वैल्यू क्या है, इनिशियली 1 है, आर की वैल्यू क्या है, 5 है, बराबर। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पास की। उसके बाद क्या हुआ, इफ़ पी इज़ लेस देन आर, पी क्या है 1, आर क्या है 5, सो 1 इज़ लेस देन 5, यस सेटिस्फाइड। तो आप अंदर जाओगे, अंदर का जो कोड है उसे इंप्लीमेंट करोगे। कोड इंप्लीमेंट करते समय सबसे पहले आपको क्या कॉल करना है, पार्टीशन फंक्शन को कॉल करना है, उसे एरे ए जो कि आपका ये एरे है ए, वो पास करना है, पी की वैल्यू 1 एंड आर की वैल्यू 5 पास करनी है। आफ्टर पासिंग दिस पर्टिकुलर पैरामीटर्स जो रिजल्ट निकला था वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से था, और हमने जो रिटर्न किया था वो इंडेक्स वैल्यू 3 थी जो हमने रिटर्न की थी। वो क्या थी, इंडेक्स वैल्यू 3 थी जो हमने रिटर्न की थी बराबर। और वो किसे असाइन हो गई थी, क्यू को असाइन हो गई थी, इट वाज असाइन टू अ क्यू वेरिएबल बराबर। एंड बाद में हमने उस क्यू वेरिएबल को वापस से यूज किया है रिकर्सिवली कॉलिंग द क्विक शॉर्ट। अब ये कैसे हो रहा है, इसे थोड़ा सा सिस्टमैटिक एंड अच्छी तरीके से समझते हैं कि भैया पहले तो मैंने क्विक शॉर्ट कॉल किया जिसमें मैंने एरे पास किया ए और पी की वैल्यू थी 1 एंड आर की वैल्यू थी 5 बराबर। उसके अंदर भैया मैंने पार्टीशन इस फंक्शन को कॉल किया, पार्टीशन जो फंक्शन था उसे मैंने कॉल यहाँ पे किया है, जिसको मैंने पी की वैल्यू 1 एंड 5 ये पास की थी। अब ये क्या रिटर्न करता है, कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, कौन सी पोजीशन रिटर्न करता है, उसके बेसिस पे ही हम अगले दो जो क्विक शॉर्ट के रिकर्सिव कॉल्स हैं उन्हें हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बेसिस पे। तो अभी उसने क्या रिटर्न किया, इंडेक्स वैल्यू 3 उसने रिटर्न की है, विच इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ Q, विच इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ Q। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम लोग दो रिकर्सिव क्विक शॉर्ट कॉल करने वाले हैं, दैट इज पहला जो क्विक शॉर्ट कॉल होगा वो क्या होगा, P दैट इज इक्वल टू 1, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 बराबर। उसके बाद एक और मेरा क्विक शॉर्ट कॉल होगा विच इज नथिंग बट इक्वल टू Q plus 1 मतलब 3 + 1 दैट इज 4 एंड R इज इक्वल टू 5 बराबर। मतलब ये तो मेरा शॉर्ट हो गया है, लेकिन ये वाला और ये वाला पार्ट जो है, यानी लेफ्ट टू द 4 एंड राइट टू द 4 वाला जो पार्ट है, वो भाई साहब अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ है, उसे भी तो शॉर्ट करना है, तो उस पर भी हम लोगों को शॉर्टिंग लगानी है बराबर। एंड वंस इट इज सॉर्टेड उसके बाद हम लोग अपना जो प्रोसीजर है क्विक शॉर्ट का वो स्टॉप कर सकते हैं। तो वापस से मैंने क्विक शॉर्ट को कॉल किया जिसमें अभी पी की वैल्यू क्या है 1 है और आर की वैल्यू अभी क्या हो गई मेरी 2 हो गई। वापस से मैं चेक करूंगा कि क्या मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 1 < 2, यस इट इज सेटिस्फाइड। वापस मैं पार्टीशन को कॉल करूंगा जिसमें पी की वैल्यू 1 एंड आर की वैल्यू 2 होगी। तो अभी हमारा सिर्फ फोकस यहाँ पे होगा, वैसे ही मैं क्या करूंगा, जो उसका लास्ट एलिमेंट है उसे चूज करूंगा, यानी कि 0। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया यहाँ पे 0 हो जाएगी। वंस इट इज 0 तो मुझे क्या करना है, सिंपली ये चेक करना है 1 क्या है भैया, ग्रेटर देन 0 है, तो आई विल नॉट टेक एनी एक्शन। 1 क्या है, इट इज ग्रेटर देन 0, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा व्हाई आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन, क्यों, बिकॉज वहां पे कंडीशन थी ये मेरी जे वैल्यू है, ओके, ए ऑफ जे जो है इफ इट इज लेस देन इक्वल टू एक्स तभी मैं एक्शन लूंगा, तभी मैं एक्सचेंज करूंगा। अगर ये कंडीशन उल्टी है, ऐसी है, देन आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन, मैं सिर्फ जे को इंक्रीमेंट करूंगा। लेकिन क्या अभी यहाँ पे जे इंक्रीमेंट हो सकता है, नहीं, क्योंकि जे सिर्फ इंक्रीमेंट हो सकता है आर माइनस वन तक, जो कि आर माइनस वन इटसेल्फ 1 ही है, आर की वैल्यू क्या है 2, 2 - 1, 1, तो सिर्फ मेरा आर यहाँ तक ही जा सकता है फॉर लूप में, उसके आगे अगर जाएगा तो वो फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा बराबर। तो अगर वो फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा तो एक और स्टेटमेंट था, एक एक्सचेंज का स्टेटमेंट था, विच वॉज नथिंग बट a ऑफ i प्लस 1 और a ऑफ r, इन दोनों का एक्सचेंज करना था अगर फॉर लूप से बाहर निकलता हूं बराबर है कि नहीं। तो अभी मेरा इनिशियली i कहां पॉइंट कर रहा था, p माइनस 1 को, 0 को मेरा i जो है एक तरीके से 0 को वो पॉइंट कर रहा था। a ऑफ i प्लस 1 क्या हो जाएगा, a ऑफ i प्लस 1 मेरा i अभी मेरा यहां पॉइंट करेगा बराबर है। a ऑफ r क्या है, a ऑफ r मेरा क्या है, a ऑफ 2 दैट इज 0। तो यहाँ पे 1 और 0 है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, एक्सचेंज करना है, इन दोनों क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, मेरा 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा,
बात बराबर है, जीरो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो आई की इंडेक्स वैल्यू है ये मैं रिटर्न करूंगा अगेन टू द पार्टीशन फंक्शन क्यू। तो अभी यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है, वन, वन मैंने रिटर्न कर दिया, वन आई हैव रिटर्न। तो यहाँ से रिटर्न क्या आया, क्यू की वैल्यू आई वन, क्यू की क्या है वैल्यू आई, इट इज बीइंग गेटिंग रिटर्न एस। ओके, लेकिन यहाँ पे वन यहाँ रिटर्न नहीं होगा, इसका भी तो भैया पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा कि नहीं, पार्टीशन ऑफ 1, 2, और फिर इसका रिटर्न होगा पार्टीशन का क्यू इज इक्वल टू 1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बराबर। उसके बाद फिर वापस से यहाँ पे भी क्विक सॉर्ट का जाएगा ना, क्विक सॉर्ट, ओके, क्विक सॉर्ट होगा, और वो क्या होगा, पहला तो 1 होगा कॉमा, क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 माइनस 1, इट इज गोइंग टू बी 0। अगला वाला और कौन सा कॉल होगा, क्यू एस ऑफ Q plus 1 मतलब 1 plus 1, 2, कॉमा वॉट इज R, R इज इक्वल टू 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, बराबर। तो 2, 2 मतलब एक ही एलिमेंट, एंड वन एलिमेंट इज ऑलवेज इन अ सॉर्टेड फॉर्म, ओके। और ये वाली की अगर बात की जाए तो ये वाला हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन अ सॉर्टेड फॉर्म। 1, 0 अगर इसको मैं वापस से कॉल करता हूँ तो मेरा P क्या है, 1 है, और R जो है वो मेरा 0 है। तो देखते क्या ये इफ वाली कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, 1 इज लेस देन 0, नॉट सेटिस्फाइड। तो हम ये आगे का पोर्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, इसे हम लोग एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब बसती बारी इसकी। मतलब इसका ये कि भाई इसका जो लेफ्ट साइड पोर्शन था वो अभी शॉर्ट हो गया, यानी जो लेस देन इक्वल टू 4 था वो शॉर्ट हो गया, अभी हमारा राइट वाला पोर्शन बच गया। तो राइट वाला जो पोर्शन बचा है उसे भी हमें क्या करना है, अभी सॉर्ट करना है, बराबर, वी हैव टू सॉर्ट इट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने क्विक सॉर्ट तो कॉल किया हुआ है 4, 5, तो यहाँ पे मेरी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये इस पैरामीटर में सेट हो रहा है कि पी इज लेस देन आर, 4 इज लेस देन 5, ये सेटिस्फाइड। तो लगे हम लोग पार्टीशन को कॉल करेंगे, क्या करेंगे, विल कॉल द पार्टीशन, पार्टीशन किसके ऊपर, 4, 5 के ऊपर कॉल करेंगे। अब ये क्या रिटर्न करता है पोजिशन, उसके बेसिस पे आगे हम लोग जो क्विक सॉर्ट है ये दो ये कॉल करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट पोजिशन नाउ इट्स गोइंग टू रिटर्न। तो 4, 5 ये मेरा पी और आर है, बराबर, वो आएगा। यहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन इट इज गोइंग टू बी 5, बात बराबर है। अब मुझे मेरा जो j होगा वो इसे पॉइंट कर रहा होगा, j इज गोइंग टू पॉइंट टू दिस रिस्पेक्टिव एलिमेंट, और i किसे पॉइंट कर रहा होगा, उससे पहले वाले एलिमेंट को, यानी कि इस एलिमेंट को मेरा i जो है वो पॉइंट कर रहा होगा, बात बराबर है। अभी सिंपल सी बात हमें क्या करनी है, वी हैव टू जस्ट कंपेयर, क्या कंपेयर करना है, आपको सिर्फ जो आपका a ऑफ j है उसे देखना है कि वो लेस देन x है या नहीं, लेस देन इक्वल टू x है या नहीं, सिर्फ ये चेक करना है इन दैट फॉर लूप, रिस्पेक्टिव फॉर लूप, बराबर। तो अगर ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इफ दिस रिस्पेक्टिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे किसके बीच में, a ऑफ i और a ऑफ j के बीच में एक्सचेंज करेंगे। लेकिन a ऑफ j क्या है, मेरा 6 है, और x क्या है, 5 है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, ऊपर वाली कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तरीके से कुछ भी परफॉर्म नहीं करूंगा, कोई एक्सचेंज बिटवीन a ऑफ i एंड a ऑफ j नहीं करूंगा, बिकॉज दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैं क्या करूंगा, फिर j को इंक्रीमेंट करूंगा, लेकिन j को इंक्रीमेंट कहां तक किया जा सकता है फॉर लूप में, r माइनस 1 तक, r की वैल्यू क्या है, 5, 5 माइनस 1 यानी 4, तो मैं 4 तक ही जा सकता हूं फॉर लूप में, उसके आगे गया तो फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा, और ठीक यही होता है, और हम फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं, वी कम आउट ऑफ द फॉर लूप। तो j मेरा जैसे ही आगे जाने की कोशिश करता है, हम लोग सीधा फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं। लूप में बाहर आने के बाद एक जो एक्सचेंज हमें परफॉर्म करना है, इट इज नथिंग बट a ऑफ i प्लस 1 और a ऑफ, और जो हमारा एलिमेंट था a ऑफ r, इन दोनों के बीच में हमें एक्सचेंज परफॉर्म करना होता है जैसे हम फॉर लूप के बाहर आते हैं, इफ यू रिमेंबर दैट एल्गोरिदम, बराबर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखो जिसमें मैंने पार्टीशन एक्सप्लेन किया है, बराबर। तो अभी इन दोनों में हमें एक्सचेंज करना है जैसे हम फॉर लूप के बाहर आते हैं, तो आई प्लस 1, आई मेरा क्या है 3, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो वो कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा आई प्लस 1, यानी ए ऑफ 4 में आ जाएंगे, और a ऑफ r क्या है, दैट इज a ऑफ 5, बराबर, a ऑफ 4 यानी 6 और यहाँ पे 5, इन दोनों के बीच में क्या करना है, एक्सचेंज करना है, यानी कि आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो 6 है वो यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। और ये जो i का है उसकी जो इंडेक्स वैल्यू 4 वो हम रिटर्न करेंगे, मतलब यहाँ पे रिटर्न क्या आया, 4 आया, विच इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ q, बराबर। यहाँ पे दो क्विक शॉट आएंगे फिर भैया, क्विक शॉट जो कि रहेगा आपका ऑब्वियसली 4, 4 के बीच में, यानी कि p की वैल्यू 4 है और q माइनस 1 यानी कि व्हाट इज q माइनस 1, इट इज इक्वल टू नॉट 3, ओके, इट इज गोइंग टू बी
3, और अगला जो एक क्विक सॉर्ट होगा इट इज गोइंग टू बी क्यू ऑफ क्यू प्लस 1, 4 प्लस 1, 5, कॉमा व्हाट इज द आर 5, बराबर। तो इसका तो सेंस ही नहीं बनता, इसका तो अपना क्या नहीं बनता सेंस, क्यों? बिकॉज P should be less than R. तो यहाँ पे क्या है, P is greater than R. ये condition satisfy नहीं होगी. P आपका 4 है, R आपका क्या है 3 है, तो 4 is less than 3, ये तो होने से रहा भाई, तो ये अपनी condition satisfy नहीं होगी, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस function का, बराबर, वो enter ही नहीं करेगा अंदर। और ये वाला जो है ये अपने आप में पहले से ही sorted है, because यहाँ पे वो QoS of 5,5 मतलब क्या, एक ही एलिमेंट जो कि अपने आप में ही सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो वो भी यहाँ पे कंडीशन में नहीं आएगा, इसको भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। तो फाइनली क्या बच जाता है, ये हमारा सॉर्टेड एरे। अगर आप गौर से अभी देखोगे तो ये हमारा जो एरे वो सॉर्टेड हो गया है, पहले कैसा था 15064, अभी क्या हो गया 015456, पूरी तरीके से सॉर्ट हो गया है, और उसका पूरा जो फ्लो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे ये टेक प्लेस हो रहा है, पूरा का पूरा जो पार्टीशन और क्विक सॉर्ट, इन दोनों फंक्शन का लिंक मैंने इस वीडियो में यहाँ पे आपको बिठा के दे दिया है। अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।